जादूगोड़ा नरवा टाटानगर मुख्य सड़क पर स्थित गोड़ाडी के सामने केनाल के निर्माण के समय बनाया गया पुलिया काफी जर्जर बना होने के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पुलिया अब लोगों के लिए जानलेवा बनती जा रही है। गाड़ी मालिकों को काफी परेशानी होती है, बार बार गाड़ी पलटी होने का भय सताते रहता है। गाड़ी मालिकों का कहना है कि खाली गाड़ी भी नहीं चढ़ा पा रहे हैं। वहीं लोग इसके कारण काफी आक्रोशित हैं, विशेषकर बरसात के समय में सड़क काफी खतरनाक हो जाती है। इस पुलिया से वाहन लगातार दुर्घटनाग्रस्त भी हो रही है। जानकारी हो कि रोजाना हजारों गाड़ियां इस मुख्य सड़क से आवाजाही करती हैं। रात के समय लोगों को काफी परेशानी होती है। केनाल के सामने निवासी पारसनाथ का कहना है कि जमीन का मुआवजा नहीं मिलने से काम बंद करवा दिया गया है। काम बंद होने की वजह से पैसेंजर को पुलिया के इस पार उतार दिया जाता है, पुलिया पार करके फिर चढ़ाया जाता है। कई बार ट्रक यहां फंस जाते हैं, फिर हम लोग जेसीबी मंगवा कर निकालवा देते हैं। सरकार से अनुरोध किया गया है कि जिसका जमीन का मुआवजा बाकी है उन्हें देकर पुलिया को जल्द से जल्द बना दे ताकि कोई बड़ा दुर्घटना ना घटे। ब्यूरो रिपोर्ट, छोटा नागपुर लाइव। देखिए डेली बस चलता है, ठीक है, 12 घंटा 13 घंटा बस चलता है। सब पैसेंजर को, सारा पैसेंजर को उतारना पड़ता है यहाँ, आगे जाके पुलिया को उस पर चढ़ाता है। उसके बाद 8-10 तो यहाँ पर बड़ा बड़ा हाईवे फंस चुका है अभी तक, जो कि हम लोग ट्रेन व्रेन मंगा के उसको उठाए हैं, ठीक है। प्लस इसमें अभी 1 साल से कम बंद पड़ा हुआ है, 6 महीना हो गया, पुलिया ढलाई हो गया है, अभी तक इसमें मतलब काम कंप्लीट नहीं हुआ है। एक पार्टी है, ठीक है, उसको मुआवजा मिलना चाहिए, वो मुआवजा के लिए इसको रोका गया है। मुआवजा मिल जाने से जल्द काम पूरा हो जाएगा। आपका नाम क्या हो गया? मेरा नाम तारक दास। तो ये जो मुआवजा की जो मांग कर रही है जी, तो लगभग कितना की मांग कर रही है ये? इसका जितना जगह जाएगा उतना उसको मुआवजा चाहिए। मुआवजा मिल जाएगी तो उसको काम चालू हो जाएगा। सरकार से निवेदन है जल्द से जल्द इसको मुआवजा दिया जाए और रोड कंप्लीट किया जाए।